इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप अपने Realme फोन के कीपैड में अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं, यानी कि कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको चले जाना है किसी के मैसेज वाले इनबॉक्स में। उसके बाद फ्रेंड्स मैसेज लिखने के लिए जब आप यहाँ मैसेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ कीपैड ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमारा कीपैड बिल्कुल सादा सादा है और फ्रेंड्स यहां पर जो है हमारा कोई भी फोटो नहीं शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप किस तरीके से अपने इस कीपैड में अपना फोटो सेट कर सकते हैं, फ्रेंड्स ये करने के लिए आपको यहां कीपैड में ये 3 डॉट का आइकन मिल जाएगा, आपको इस पर टच करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ थीम का ऑप्शन मिलेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ सबसे पहले प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और फ्रेंड्स आप अपने जिस भी फोटो को अपने कीपैड में सेट करना चाहते हैं उसको फ्रेंड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से अपने एक फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से मैंने अपने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने फोटो को सही से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसके ब्राइटनेस को बिल्कुल फुल कर देना है। फुल कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ डन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके कीपैड में आपका फोटो सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे कीपैड में हमारा फोटो लग चुका है। तो इस तरीके से आप अपने Realme फोन के कीपैड में अपना फोटो लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करिए और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।